रोहतक में सीट को लेकर हुए विवाद के चलते छात्र पर जानलेवा हमला, सिर पे आए 13 टांके। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, सहपाठी ने ही साथियों संग की मारपीट। जी आपको बता दें, रोहतक के शीला बापा स्थित एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र पर हमला करने की एक वारदात सामने आई है, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झगड़ा पेपर के दौरान सीट को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। आपको बता दें, पहले दोनों के बीच सीट को लेकर कहा सुनी व गाली गलौज हुई, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट के बाहर शरीर रहा पीड़ित पर हमला कर दिया। हमले में घायल देव के सिर पर 13 टांके आए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में पीड़ित व उसके परिजनों ने क्या कहा। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे मार पिटाई हुई? एक सीट को लेके बहस हुई थी, गाली गलौज हुआ था। उसने गाली देकर बात करी, मैंने गाली देकर जवाब दिया, कहते मुझे नीचे मिल गया। मैंने इग्नोर किया बात को। अब मैं सीरियस थोड़ी लूंगा किसी की बात को। फिर मैंने अपना टेस्ट दिया, टेस्ट था 3 घंटे 20 मिनट का, 12 से 3:20 तक का। वो 2 बजे से उतावला हो रहा था उतरने के लिए कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैंने नोटिस नहीं किया बिल्कुल भी, ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो 2 बजे से उतावला हो रहा था। टेस्ट देके मैं नीचे उतरा, वो मेरा आधे पौने घंटे से वेट कर रहा था। अपने 6-7 जनों को बुलाया था, चक्की दादरी का लड़का है लक्ष्य सांगवान, और क्या कहते हैं, यहाँ पीजी में रहता है कोई। मुझे नहीं पता कौन थे वो 6 जने, पीजी के थे कहाँ के थे। 6-7 जने ले आया और मेरा वेट कर रहे। मैं जैसे ही उतरा, मेरे कंधे पे हाथ डाल के मुझे धक्का देते देते साइड ले गया, जहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती। कैमरे में इतना दिखा है जितनी मेरे पास सीसीटीवी है। मुझे धक्का दिया, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर मुझे 6-7 जनों ने घेरा है, पहले थप्पड़ और चाटे मारे हैं। फिर क्या कहते हैं, जब मैंने एक को अपने बचाव के लिए एक को पकड़ा, तो फिर मुझे बेल्टें मारनी शुरू कर दी। बक्कल में कुछ लपेट रखा था, पता नहीं बक्कल पड़ा सिर पे। मेरे पहले सिर पे 13 टाके हैं, 13 टाके। एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, मुझे नहीं पता सिर पे वार क्यों किया, उनको पता था नहीं पता था, सिर्फ सिर पे मारा और कहीं नहीं मारा। उन्होंने मारा, लगभग जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने। मेरा खून टपकना शुरू हुआ, तब फिर मैं थोड़ा घबरा गया कि मेरे वो बोले टाके ना खुल गए, मेरा कुछ भी हो सकता है। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश 2 बार की, 2 बार मेरे बैग से खींच लिया और बेल्टें मारी। फिर जब 3री बार मैंने बैग फेंक दिया अपने, जानने लगा, जब तक मैं सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं तब तक मेरे बेल्ट मारे गए सिर में, सिर्फ सिर में, एक ही जगह सिर में और कहीं नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को बचाया, सिर पे हाथ रखा, सब खून खून था, ऊपर लेके गया। कोई मुझे बचाने नहीं आया, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जब मैं अपने आप को बचा के 1-2 जनों को मार के ऊपर चढ़ा, तब एक सर आए, वो मुझे ऊपर लेके गए। उससे पहले कोई भी नहीं था, लगभग 100 जने खड़े होंगे रोड पे, कोई भी नहीं आया। कहाँ पढ़ते हो? आकाश इंस्टीट्यूट रोहतक। तो कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी? कोई बचाने नहीं आया, कुछ कोई नहीं खड़ा था। ऐसी घटना पानीपत में पहले हुई थी, चक्कू चले थे की मौत भी हुई है ऐसे। एक बार पानीपत में भी पहले हुआ हुआ है, 3 महीने पहले एक लड़के को जान से मार दिया था। मेरा नाम अमित है जी। मेरा बेटा MBBS की तैयारी करे आकाश इंस्टीट्यूट शीला बाईपास रोहतक पे जी। मेरे बेटे का 1 तारीख को एक टेस्ट था आकाश में, सीट को लेके एक बच्चे के साथ इसकी बहस हो गई। तो बहस के कारण उस बच्चे ने इसको धमकी थी, तू आज मेरे को आके नीचे मिल। ये टेस्ट देने चला गया, वो बच्चा ही टेस्ट देने चला गया। टेस्ट था 12 से लेके 3:15 बजे तक, 3.25 घंटे का। वो बच्चा जैसे मेरे को बताया गया एग्जामिनेशन ने कि 2 बजे से उतावला हो रहा था कि मेरा पेपर हो गया, मेरा पेपर लो, मुझे जाना है। तो एग्जामिनेशन ने उसका पेपर नहीं लिया। तकरीबन 2:45 बजे वो पेपर अपना दे के नीचे चला गया आकाश के। वहाँ उसने 5-6 लड़के बाहर के बुलाए और इसकी इंतज़ार करी। ये 3:15 बजे जैसे ही पेपर दे के बाहर निकला, 6-7 जनों ने इसको घेर लिया और इसके साथ खूब मारपीट की। इसको तकरीबन जान से मारने की सोची थी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सिर पे वार किए गए हैं। ऑलरेडी इसके सिर में पहले चोट है, 13 टाके 2 साल पहले लगे हैं, और वहीं बेल्टों के बक्कल से सिर पे ही सिर्फ वार किए गए। अब भी 12-13 टाके 4 जगह पे लगे हैं इसको। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आकाश वाले सिर्फ फीस लेने के लिए हैं क्या? बच्चे के लिए सिक्योरिटी, बच्चे की सुरक्षा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती? उन्होंने 3 महीने पहले पानीपत में भी एक बच्चे की जान गई है आकाश इंस्टीट्यूट में ही, उससे भी सबक नहीं लिया इन्होंने, तब भी अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाई। तो अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की है? मैंने बच्चे की MLR कटवा दी, FIR करवा दी, और प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सारे बच्चे पकड़ से बाहर हैं। अच्छा, कब का मामला है ये? 1 तारीख दोपहर को 3:15 बजे का मामला है। सुबह 3 बजे? हाँ जी। दिन क्या 3 बजे का? दिन के। तो अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? सबसे सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हीं बच्चों को गिरफ्तार किया जाए। जो लड़के हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं?
जो एक मेन लड़का है जिसने बाहर से लड़के बुलाया था, आकाश इंस्टीट्यूट का जो लड़का है लक्ष्य सांगवान, वो चरखी दादरी का है, वो यहाँ पे किसी पीजी में रहता है, और मुझे जैसे लगता है, अब मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि वो बच्चे पीजी के ही बुलाए गए हैं, जो 6 बच्चे बुलाए गए इसको मारने के लिए, आगे पुलिस पता करेगी, अपनी इंक्वायरी करेगी कहाँ के बच्चे थे कहाँ के नहीं थे। आपके बेटे को कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरे बेटे को तकरीबन सिर में ही चोट आई है, और कहीं पे भी है, और पेट पे और कमर पे भी बेल्टों के निशान है बक्कल के। अच्छा, बेल्ट भी थी या और कोई तेज धार हथियार भी थे साथ में? देखो मैंने तो देखा नहीं, बेटे के मुताबिक सिर्फ बेल्टों से वार किया गया। मेरे पास CCTV है, उसके अंदर ही बेटा जब खून खून होके आकाश की तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ वापस ऊपर जा रहा है, तब भी उसको बेल्टों से हिट करा जा रहा है, और वो भी सिर्फ सिर में। मैं वो आपको CCTV दे दूंगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट के किसी जगह पर किया गया है, नीचे किया गया, आसपास? बिल्कुल, इंस्टीट्यूट के प्रीमिसेस के नीचे पार्किंग के बाहर। पार्किंग के अंदर भी उनका सिक्योरिटी वाला होता है, मगर सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया, ना ही किसी बच्चे ने कोई मदद करी, सब तमाशा देखते रहे। क्या आपको लगता है कि जान से मारने की रंजिश आई हुई थी? अब जैसे सर पे हिट किया गया तो जान से मारने की कोशिश की गई है।